फिल्म दबंग का एक डायलॉग है, हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, नाम है रॉबिन हुड पांडे। ये डायलॉग फिल्मी है, लेकिन जौनपुर में जैसे ही आपकी जुबान से रॉबिन हुड शब्द निकलेगा, लोग खुद ब खुद धनंजय सिंह बोल देंगे। आज बताएंगे कि धनंजय को प्यार कैसे हुआ और वो सांसद कैसे बने। साल 2007, धनंजय दोबारा राज्य विधानसभा चुनाव जीते, उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनी, धनंजय भी पार्टी की तलाश में थे। 2008 में धनंजय ने बसपा का दामन थाम लिया। इधर पहली पत्नी मीनू की मौत के बाद धनंजय सिंह अकेले पड़ गए। गोरखपुर की रहने वाली जागृति सिंह से धनंजय सिंह की पहली मुलाकात लखनऊ में हुई। शोहरत और दौलत दोनों में जागृति धनंजय से कम नहीं थी। जागृति गाजियाबाद में संतोष मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करती थी और एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में प्रैक्टिस भी करती थी। धनंजय सिंह जागृति के इश्क में इस कदर दीवाने हो गए कि वो कब लखनऊ पहुंच जाते, कब गाजियाबाद चले जाते, उन्हें खुद नहीं पता चलता। इश्क होता ही ऐसा है, इसमें इंसान को होश और ध्यान रहता नहीं है। जागृति को सियासत बिल्कुल पसंद नहीं थी। कई बार धनंजय संतोष मेडिकल कॉलेज के बाहर खड़े होकर जागृति का इंतजार किया करते थे। इसी बीच धनंजय सिंह जौनपुर से लोकसभा चुनाव जीत गए और इसके बाद 29 जून 2009 को धनंजय सिंह ने दूसरी शादी की। जागृति सिंह और धनंजय सिंह अब पति पत्नी थे। धनंजय सिंह सांसद बने तो उनकी सीट खाली हुई। हालांकि अब सीट परिसीमन के बाद मलनी बन चुकी थी, यानी रारी खत्म हुई और नई सीट बनी मलनी। धनंजय सिंह ने सीट से अपने पिता राजदेव सिंह को उपचुनाव लड़ाया और वो विधायक बन गए। जैसे जैसे सियासत में धनंजय सिंह आगे बढ़ रहे थे, मुकदमों की फहरिस्त भी बढ़ती जा रही थी। इस बीच धनंजय सिंह और अमर सिंह की एक गुप्त मुलाकात की जानकारी मायावती को हो गई। मायावती आग बबूला हो गई और धनंजय सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया। हालांकि कुछ वक्त बाद धनंजय सिंह की बसपा में वापसी भी होती है, लेकिन धनंजय सिंह 11 दिसंबर 2011 को मायावती सरकार के खिलाफ लोकसभा में एक बयान दे देते हैं। पहले से ही मायावती नाराज थी और अब मायावती का पारा हाई हो गया। इसके बाद बेलाओं डबल मर्डर कांड में धनंजय सिंह की गिरफ्तारी होती है और गैंगस्टर की कार्रवाई भी होती है। 2012 में धनंजय सिंह जेल में थे, पत्नी जागृति सिंह के लिए मलनी सीट से टिकट मांगा, लेकिन बसपा ने इनकार कर दिया। धनंजय सिंह ने इसको चैलेंज माना और जागृति सिंह को निर्दलीय उतार दिया। सपा से पारसनाथ यादव चुनाव लड़ रहे थे। इस चुनाव में पारसनाथ यादव चुनाव जीत गए। निर्दलीय चुनाव लड़कर जागृति सिंह को 50,000 वोट मिले। बाद में नौकरानी से मारपीट और उसकी मौत के मामले में जागृति सिंह का नाम आया। इसमें नामजद धनंजय सिंह भी हुए और आगे चलकर जागृति और धनंजय सिंह में तलाक हो गया। जागृति और धनंजय सिंह का एक बेटा है जो धनंजय सिंह के साथ ही रहता है। इधर धनंजय सिंह 2017 का विधानसभा चुनाव मलनी सीट से हार गए। 2017 में ही उनकी जिंदगी में श्रीकला रेड्डी आई, जो उनकी तीसरी पत्नी बनी। दोनों ने पेरिस जाकर शादी की। जुलाई 2018 में बागपत जेल के अंदर मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी गई। बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने धनंजय पर आरोप लगाया। 5 जनवरी 2021 को लखनऊ के गोमती नगर में अजीत सिंह उर्फ लंगड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अजीत सिंह कभी मोहम्मदाबाद के गोहना ब्लॉक का प्रमुख था, मुख्तार अंसारी का खासम खास था। इस हत्या में नाम आया धनंजय सिंह का। धनंजय सिंह फरार हुए। पुलिस ने उनके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित करके गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। 2020 में मलनी में हुए विधानसभा उपचुनाव में धनंजय सिंह को पारसनाथ यादव के बेटे लकी यादव ने हरा दिया। और अब आया साल 2021। मई के महीने की गर्मी में सिर पर पल्लू रखकर श्रीकला सिंह वोट मांग रही थी। चुनाव था जिला पंचायत का और वार्ड 45 ब्लॉक सिकरारा। श्रीकला सिंह जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही थी। प्रचार का जिम्मा खुद धनंजय ने संभाला। धनंजय सिंह ने लोगों से कहा कि अपनी बहू को आशीर्वाद दीजिए। गांव के लोगों ने भी मुंह दिखाई में 14,827 वोट दिए और श्रीकला जिला पंचायत की सदस्य बन गई।
अब धनंजय सिंह की नजर जिले की सबसे ऊंची कुर्सी पर थी। जौनपुर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी महिला कोटे में चली गई। भाजपा की सरकार होने के बावजूद श्रीकला सिंह जौनपुर जिला पंचायत की निर्दलीय अध्यक्ष बन गई। इस चुनाव में कुल 83 वोट पड़े, जिसमें धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को 43 वोट मिले। हैरानी की बात थी कि भाजपा अपना दल की उम्मीदवार रीता पटेल ने खुद अपना वोट श्रीकला रेड्डी को दे दिया। भाजपा की बागी नीलम सिंह भी इस मैदान में उतरी, उन्हें 28 और निशि यादव को 12 वोट मिले। कहा तो यहां तक जाता है कि रीता पटेल धनंजय सिंह की ही समर्थक थी। 2022 में भी धनंजय सिंह को लकी यादव ने चुनाव हरा दिया और अब वो 2024 का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक पुराने अपहरण केस में धनंजय सिंह को 7 साल की सजा हो गई। दोस्तों, धनंजय सिंह की कहानी में इतना ही। ये सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।